गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कुछ वाक्य देखे थे, वाक्य बनाने। मिश्री सी मैंने बताया था आपको। आई होप कि आपने तीन वाक्य और भी बना लिए होंगे। सच सच रच रच मन की गांठ है। आगे हम देखते हैं इसकी ब्लैंक्स। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। ऊंची आवाज में चीखकर बोलना आदत है। डैश कौन सी आदत है? बुरी। हमें आपस में डैश रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। डैश अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। रोकर अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। हमें बड़ों का डैश करना चाहिए। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये था बच्चों हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, एक रुपया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं जा रहे थे। एक बालक आया और बोला, एक पैसा दे दो। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें एक पैसा दे दूं, पैसे के स्थान पर एक रुपया दूं, तो तुम क्या करोगे? बालक ने कहा, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर ने उसे एक रुपया दे दिया। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उनके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने एक रुपया दिया था। उससे मैंने फलों की रेड़ी लगानी शुरू की थी और आज मेरी इस बाजार में फलों की दुकान है। आप उसे अपनी चरण धूली से पवित्र करें। ये था बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर जो कि कंप्लीट होता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत के फल से हमें सफलता प्राप्त होती है। अब इसकी हम बैक एक्सरसाइज देखेंगे। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ईश्वर ईश्वर, बालक बालक, बाजार बाजार, पवित्र पवित्र, पैसा पैसा, रेड़ी रेड़ी, प्रणाम प्रणाम। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पीक, पंजाबी में क्या बोलेंगे? पीक भीक। पैरां दी तूड़ नू की क्या बोलेंगे? चरण धुली। पढ़ो समझो और लिखो। श प्लस व शब्द क्या बनता है? इससे नया शब्द ईश्वर। न प्लस द प्लस र नद्र चंद्र। द प्लस य द्य। म प्लस ह म तुम्हें। स प्लस थ स्थ प्लस स्थ का क्या बनता है? स्थान। क प्लस य के का क्या बन गया? क्या। प प्लस र प्र प्रणाम। त प्लस र त्र पवित्र। आगे देखिए हमारे शब्दार्थ। चरण पैर, चरण का यहाँ क्या अर्थ है? पैर। प्रणाम हाथ जोड़कर अभिवादन। चरण धूरी पैरों की धूल। पवित्र स्वच्छ स्तव स्वभाव से युक्त। आगे देखिए, आगे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। ये बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके हमने वचन और लिंग बनाने हैं। एक अनेक, पैसा पैसे, रुपया रुपये, दुकान दुकाने। ये थे हमारे वचन। अब हम लिंग बदलेंगे। बालक बालिका, युवक युवती। वाक्य बनाओ। प्रणाम, प्रणाम का यहाँ हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बड़ों को प्रणाम किया या मैंने आज गुरुजी को प्रणाम किया। ऐसे ही पवित्र, गंगा नदी बहुत पवित्र है। रेड़ी, आज मैंने रेड़ी लगाई। धूली, अपने चरण धूली से मेरी दुकान को पवित्र करें। कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। नए शब्द बनाओ। शव, शव का यहाँ क्या बनेगा? शव का आप ईश्वर भी बना सकते हो, श्वसन भी बना सकते हो। नद्र इंद्र, या अर्थात हमें आगे स्वर और व्यंजन दोनों आगे पीछे लगा के कोई भी नए शब्द बना सकते हैं।
नेक्स्ट है चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। ये देखो बच्चों, हमें 6 चित्र दिए गए हैं जिसको देख के हमें ब्लैंक्स पूरी करनी है। जैसे सामान उठाने वाला, सामान उठाने वाले को हम क्या कहते हैं? कुली। पौधों की देखभाल करने वाला माली। जूतों को गाँटने वाला मोची। फसल उगाने वाला किसान। डाक बांटने वाला डाकिया। घड़े बनाने वाला कुम्हार। ये था बच्चों आज हमारा सेकंड चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और थर्ड चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।